मैंने सुना है किसी फॉरेनर ने आपको लेटर भी लिखा था बहुत साल बाद में। अभी आती है वो तो। फॉरेनर, आप उसके प्रेम में थे क्या? के मेरे पोते हैं, मैं उसका ग्रैंड फादर हूँ। इसीलिए मैंने पूछा था आपसे। रोड हुआ करती थी, लेकिन इस बार यहाँ बारिश भयंकर हुई और उस बारिश की वजह से ये पूरा बह गया, रोड ही पूरी बह गई। अभी कुलधरा दिखा रहा है 0 किलोमीटर और जैसलमेर यहाँ से 18 किलोमीटर है। राजस्थान टूरिज्म ने इस जगह को बहुत ही प्रमोट किया है और ये यहाँ पे स्टोरी टेलर बच्चे हैं, ये हमेशा हर बार मिलते हैं कि हम आपको भूतिया गाँव की स्टोरी बताने के लिए, ये पहले ही बोल रहे हैं हमें। और मैं बहुत बार आ चुका हूं, लेकिन विकास जी के साथ इस डेजर्ट सफारी का आनंद लेते हुए मिट्टी में भरे हुए हैं। यहाँ टिकट लेनी पड़ेगी शायद अपने को। ये हम इंटर कर रहे हैं इसके अंदर और ये बाबा जी बैठे हैं। से कुलधरा गांव स्टार्ट हो गया है और ये इसका बाउंड्री थी। और जो एक बाबा जी कई ब्लॉग्स में आपको दिखे होंगे, वो बाहर बैठे हैं। और ये शायद राइट साइड में बाबा जी की स्टोरी थी। अच्छा, काफी टाइम पहले एक गोरी आई, एक मिनट आप इसमें बोलिए माइक में। काफी टाइम पहले एक फॉरेनर थी, उनका लव हो गया था बाबा जी से। हाँ, फिर वो हाँ बाहर ही बैठे हैं। फिर वो काफी साल के बाद उस फॉरेनर ने एक लेटर भेजा और वो मुझसे मिलने आई थी। तो जो स्टोरी सोलंकी जी बता रहे हैं अपने को, वो बाबा जी वायरल बाबा जी बाहर है, उनसे भी अपन मिलेंगे, बातें करेंगे, तो आप देखते रहिए। पालीवाल ब्राह्मणों का ऐसा गांव जहां पे कभी किसी समय ठाकुर सालिम सिंह का राज था। और ये जो हमने आपको इससे पहले खाबा फोर्ट दिखाया था, ये 84 गांव थे और ये 84 गांव एक रात में उठ के चले गए थे। कहते हैं कि ये भूतिया जगह है। 1.5 साल पहले यहाँ पे एक फॉरेनर आए थे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, वो मेटल डिटेक्टर लेते हुए आए थे और उस मेटल डिटेक्टर में उनको यहाँ पे सोना मिला था। 2 से 3 ग्राम सोना वो अपने साथ लेके गए। जिस होटल में अपन रात को रुके हुए थे, वहीं वो रुके हुए थे। और ये आप किसी भी गूगल पर सर्च कर लेना, ये चीज़ आपको दिख जाएगी। रात को वो सोना लेके आए और उनकी रात इतनी बुरी कटी कि अगले दिन वो सोना इसी जगह वापस रख के आए। तो वो सोना वापस यहीं रख के गए। आप मेरे साथ बने रहिए। और पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं कि उस टाइम इतने मजबूत आदमी थे, इतने ज्ञानी आदमी थे, तांत्रिक थे, तो सालिम सिंह ने उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो रातों रात उन्होंने नमक का पानी लिया और यहाँ से छोड़ के चले गए। और उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ पर केवल 2 टाइप के लोग रह सकते हैं, एक जो होंगे नास्तिक और दूसरे होंगे आस्तिक। आस्तिक जो होंगे, यहाँ पे जो भी पुजारी होंगे, उनके जो भी संतान पैदा होगी वो अपंग पैदा होगी, और जो नास्तिक होंगे उनको नेगेटिव एनर्जी फील होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये गांव का मुख्य चौक है और इसको वापस रिनोवेट किया गया है। रिनोवेट इसलिए किया गया है कि ये राजस्थान टूरिज़्म की एक पहल है, ताकि इसको हॉन्टेड टूरिज़्म के रूप में बढ़ाया जा सके। ऐसे 84 विलेजेस हैं यहाँ पर, लेकिन ये सबसे अच्छा इसको डेवलप कर दिया कि एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आज यहाँ पे अभी क्या सीज़न स्टार्ट हो गया, तो इसलिए पर्यटक खूब घूमने आ रहे हैं। यहाँ से नवरात्रि से इनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। पहले इसके ड्रोन के व्यू दिखाते हैं और एक इनका जो प्रोटोटाइप घर बना रखा है वो हम आपको दिखाते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों की भाषा हुआ करती थी पाल संस्कृत, और पाल संस्कृत उसमें कोई मात्रा नहीं होती थी, तो लोग आज भी उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो पढ़ नहीं पाते थे। आप मेरे साथ चलिए। और एक राइट साइड में आप दिखाना एक उसी समय की ऊँट गाड़ी है, वो पढ़िए। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो 84 गांव थे ये साथ में गए थे, लेकिन इन्होंने कोई भी सोना कोई भी चांदी अपने साथ लेके नहीं गए। तो अभी कुछ पर्यटक हैं इधर, ये चले जाते हैं, फिर अपन देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और आपने ड्रोन्स में भी देख रहे होंगे ड्रोन व्यू में भी, ये है कुलधरा गांव और ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। 2-3 स्टोरीज हैं यहाँ पर, लेकिन बेसिक स्टोरी यही है कि अकाल की वजह से सालिम सिंह ने कर कम नहीं किया, तो लोग यहाँ से रातों रात नमक का पानी लेके हाथ में और श्रापित करके यहाँ से चले गए। पालीवाल ब्राह्मण थे, वो बहुत ही ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ही विद्वान आदमी थे और उनकी पाल संस्कृत जो भाषा थी वो आज तक अनकोडेड है। तो आप बने रहिए इसी यात्रा में। अभी हम आपको जैसलमेर में सोनार का फोर्ट दिखाएंगे और इतनी थी ये, बाकी टूरिज़म के लिए इसको हॉन्टेड बताया गया है और कोई आज तक रुका नहीं, तो हॉन्टेड हो भी सकता है, इसकी कोई प्रमाण नहीं है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए 500 यात्रा। जैसा कि आप लोगों ने हमारे साथ ये कुलधरा विजिट किया, मैंने आपको दिखाया, और हमें रास्ते में चलते चलते बाबा जी मिले हैं। राम राम बाबा जी। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमाराम है। सुमाराम जी। तो आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? नहीं, जन्मभूमि से मैं इधर नहीं देखूंगा उधर, ये तो हमारा बहुत नहीं, इसमें आवाज आ जाती है ना, वरना आवाज नहीं आएगी। तो आपकी आवाज ही तो सुननी है हमें, आवाज सुनने तो है हम यहाँ। ठीक है राजा, ठीक है, मेरी जन्मभूमि से हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ की क्या स्टोरी है वो पत्थर पे लिखी हुई है, अंदर लब के गाइड भी है बहुत। लब के गाइड से पूछना होता तो हम आपके पास आते ही नहीं, तो मैं ऐसे कहानियां सुना सुना के निब्बे ले लिया। तो एक बार और सुना दो, एक बार और। जाने दो, जाने दो, जाने दो, क्या फायदा है, ऐसे ही पेट्रोल जलाना है। ऐसा मैं कई वीडियो बना दिया, कई फिल्मों बना दी, तभी तो आपको पूछ रहे हैं जी। मैंने एक बात सुनी आपको, यूट्यूब खोल देना, मेरी बहुत दोस्त है, आपको पूरी हमारी लैंग्वेज बताएगा, हमारी कहानी भी बताएगा। तो हमें नहीं बताओगे आप? आज आपके दर्शन हो गए, आप हमें नहीं बताओगे कहानी? हाँ जी, हमें नहीं बताओगे कहानी। आज के समय के वो पत्थर जो बड़े बड़े हैं उसके ऊपर लिखी हुई है, आप पढ़ लो। अरे बाबा जी, पत्थरों से ज्यादा आदमियों की, जो पुराने आदमी आपके जैसे, उनके सुनने में ज्यादा मजा आता है। ये फालतू है, फालतू, ये फालतू है ही है, ये ओह फालतू है ऐसे। लेकिन आप यूट्यूब अपना खोलना, पूरी हमारी लैंग्वेज बताएगा आपको, मेरा नाम भी बताएगा, मैं खुद आऊँगा, आपसे बात करूँगा जी, आप कहाँ से? तो आप हमसे ही बात कर लो, ये भी यूट्यूब पे कर रहे हैं ना यार, आप बता ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। ये बोल रहा हूँ, स्टोरी नहीं बता रहे इस गांव की। स्टोरी तो तेरे गाइडा को पूछो, 600 रुपया 700 रुपया लेगा और वो झूठ बताएगा। हाँ, समझदार बाप, आप सच बताओगे। हाँ, इसलिए आपसे तो सच बताता हूँ राजा, मैं झूठ नहीं बताने वाला। मैंने सुना है किसी फॉरेनर ने आपको लेटर भी लिखा था बहुत साल बाद में। अभी आती है वो तो फॉरेनर, आप उसके प्रेम में थे क्या? के मेरे पोते हैं, मैं उसका ग्रैंड फादर हूँ, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे। तो चलिए, आज बाबा जी लगता है मूड में नहीं है और अपन आगे बने रहते हैं और देखते हैं। वो आवाज नहीं आती इसलिए लगा रखा है, ऐसे थोड़ी कि आपको परेशान करने के लिए लगाया हमने। आवाज आएगा, बहुत अच्छा है ना। आप चलिए।